वैभव लक्ष्मी व्रत साथ ग्यारह या इक्कीस जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए पूजन के बाद मां के सामने एक श्रीफल फोड़े फिर कम से कम सात कुआरी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें हे माँ धनलक्ष्मी मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी वो व्रत आज पूर्ण किया है हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वो बोले मनोकामना पूर्ण करें हमारी हर विपत्ति दूर करो हमारा सबका कल्याण करो जिसे संतान ना हो उसे संतान देना सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना सभी को सुखी करना हे माँ आपकी महिमा अपार है आपकी जय हो ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें